शायद सिकंदर इतिहास का पहला राजा था जिसने पूरी दुनिया को जीतने का सपना देखा। अपने सपने को पूरा करने के लिए वह ग्रीस से मिस्र, सीरिया, बैक्ट्रिया, ईरान, अफगानिस्तान और वर्तमान पाकिस्तान को जीतता हुआ व्यास नदी तक आ पहुंचा। इतिहास में भले ही यह पढ़ाया जाता है कि सिकंदर की सेना लगातार युद्ध करके थक चुकी थी और आगे और युद्ध नहीं लड़ना चाहती थी। इस बात में थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, परंतु असली विजय तो यह थी कि व्यास नदी के आगे हिंदू गणराज्य और जनपदों ने उसकी एक न चलने दी और उसे वापस जाने पर मजबूर कर दिया। सिकंदर के विजयी अभियान के दौरान उसके इतिहासकार उसके साथ रहते थे और उसकी सफलताओं को बड़ा चढ़ाकर लिख देते थे। पर आज हम आपको इस तथाकथित विश्व विजेता के जीवन और युद्धों के बारे में ऐसी सच्चाई बताएंगे जो आपकी नजरों में इसके महान होने के भ्रम को तोड़ देगी। सिकंदर महान का जन्म 356 ईस्वी पूर्व ग्रीक के मकदूनिया, जिसे मैसेडोनिया कहा जाता है, में हुआ था। उसके पिता का नाम फिलिप था, जो कि मकदूनिया का राजा था, जिसने कई शादियां की थी। 336 ईस्वी पूर्व में सिकंदर जब 19-20 साल का था तो उसके पिता फिलिप की मृत्यु कर दी गई। ऐसा भी कहा जाता है कि सिकंदर की मां ओलंपिया ने ही जहर देकर उसे मारा था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सिकंदर ने राजगद्दी को पाने के लिए अपने सौतेले और चचेरे भाइयों का कत्ल कर दिया और मकदूनिया का राजा बन गया। सिकंदर के गुरु का नाम अरस्तु था, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे और एक महान दार्शनिक थे। अरस्तु के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज पूरी दुनिया में जहां भी दर्शन शास्त्र, गणित, विज्ञान और मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है, उसमें कहीं ना कहीं अरस्तु के विचारों का उल्लेख किया जाता है। सिकंदर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को निखारने का काम अरस्तु ने ही किया था। कहीं इतिहासकार यह मानते हैं कि अरस्तु ही था जिसने सिकंदर के मन में पूरी दुनिया को जीतने का सपना जगाया था। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सिकंदर के विजय अभियान के दौरान अरस्तु का भतीजा क्लास्थनीज भी एक सेनापति के रूप में उसके साथ गया था। सिकंदर ने सबसे पहले मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतना शुरू किया। मकदूनिया के आसपास के राज्यों को जीतने के बाद उसने एशिया माइनर, जिसे आधुनिक तुर्की भी कहा जाता है, की तरफ बढ़ा। तुर्की के बाद एक दो छोटे राज्यों को छोड़कर फारसी साम्राज्य एक विशाल साम्राज्य था। फारसी साम्राज्य मिस्र, ईरान से लेकर पश्चिम उत्तर भारत तक फैला था। उल्लेखनीय है कि फारस साम्राज्य सिकंदर के अपने साम्राज्य से कोई 40 गुना ज्यादा बड़ा था। फारसी साम्राज्य के राजा सादरा था, जिसे सिकंदर ने अलग अलग 3 युद्धों में हराकर उसके साम्राज्य को जीता था। परंतु सादरा ने सिकंदर से संधि कर ली थी और उसने अपनी पुत्री रुखसाना का विवाह उससे करा लिया था। फारसी साम्राज्य जीतने में सिकंदर को करीब 10 साल लग गए। विजय के पश्चात उसने बहुत भव्य जुलूस निकाला और अपने आप को विश्व विजेता कहलाना शुरू कर दिया, क्योंकि फारस को जीतकर वह उस तमाम भूमि के 60% हिस्से को जीत चुका था जिसकी जानकारी प्राचीन ग्रीक के लोगों को थी। भारत तक पहुंचते पहुंचते उसे सहदारा के अलावा छोटे छोटे राज्य, सूबेदारों और कबीलों से भी युद्ध करना पड़ा, जिसमें उसकी जीत हुई। यह सिकंदर की योग्यता का ही परिणाम था कि उसकी छोटी सी सेना बड़ी बड़ी सेनाओं को मात दे दिया करती थी। सिकंदर के पत्थर और आग के गोले फेंकने वाले गुलेल नुमा बड़े बड़े हथियारों और उनके सैनिकों की लंबी लंबी ढालें युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाती थी। कई ऐसे मौके भी हुए जब सिकंदर की सेना युद्ध में कमजोर पड़ती दिखती तो सिकंदर खुद आगे होकर लड़ता, जिससे उसकी सेना का मनोबल बढ़ जाता। सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में हमला किया था। उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों और गणराज्यों में बटा था। राज्यों में राजा शासन करते थे और गणराज्यों के मुख्य गणपति होते थे, जो प्रजा की इच्छा अनुसार ही फैसले लेते थे। भारत में सिकंदर का सामना सबसे पहले तक्षशिला के राजकुमार अम्बी से हुआ था। अम्बी ने शीघ्र ही आत्मसमर्पण कर दिया और सिकंदर को सहायता दी। सिकंदर अम्बी द्वारा भेंट की गई दौलत को देखकर दंग रह गया। वह सोच में पड़ गया, अगर भारत के एक छोटे राज्य के पास इतना धन है तो पूरे भारत में कितना धन होगा। भारत की धन संपदा को देखकर ही सिकंदर की इच्छा भारत को जीतने की और बढ़ गई थी।
इधर तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य से भारत पर किसी विदेशी का आक्रमण देखा ना गया। चाणक्य ने भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए सभी राजाओं से सिकंदर के विरुद्ध लड़ने का आग्रह किया, परंतु सभी राजा अपनी आपसी दुश्मनी की वजह से एक साथ न आए। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध के राजा धनानंद से गुहार लगाई, परंतु उसने चाणक्य का अपमान किया और महल से बाहर निकाल दिया। इसके बाद चाणक्य ने गणराज्यों से एक होने की अपील की, जिसमें काफी सफल रहे। इन गणराज्यों ने वापसी के समय सिकंदर को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब बात करते हैं दोस्तों सिकंदर और पौरस के युद्ध के बारे में। सिकंदर का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध जेलम नदी के तट पर राजा पुरु या पौरस से हुआ। इस युद्ध को वित्तसता या फिर हाइडेस्पीज का युद्ध कहा जाता है। महाराजा पुरु सिंध पंजाब से सहित एक बड़े भूभाग के स्वामी थे और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। सिकंदर की सेना को जेलम नदी पार करके पौरस से युद्ध करना था, परंतु वर्षा के मौसम के कारण नदी में बाढ़ आई थी और नदी को पार करना मुश्किल था। पर रात में किसी तरह यवन सेना नदी के पार पहुंच गई। नदी के उस पार राजा पुरु 30,000 पैदल सैनिकों, 4,000 घुड़सवारों, 300 रथों और 200 हाथियों के साथ सिकंदर के स्वागत के लिए तैयार खड़ा था। सिकंदर ने राजा पौरस के पास एक संदेश भिजवाया, जिसमें राजा पौरस को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा गया, पर राजा पौरस ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा पुरु, जिसे स्वयं यवन सांप फिर से ऊपर का बताता है, अपनी शक्तिशाली सेना के साथ यवन सेना पर टूट पड़े। पौरस के हाथियों ने यूनानियों का जिस भयंकर रूप से संहार किया, उससे सिकंदर और यवन घबरा गए। युद्ध के पहले ही दिन सिकंदर की सेना को जमकर टक्कर मिली। इस युद्ध के बाद सिकंदर की सेना का मनोबल टूट गया। सिकंदर ने भी अनुभव किया कि पौरस को हरा पाना मुश्किल है और लड़ी जारी रखी तो वह अपना ही नुकसान कर लेगा। अंततः उसने पौरस को युद्ध रोकने का प्रस्ताव भेजा, जिसे पौरस ने स्वीकार कर लिया। दोनों पक्षों में संधि हुई, जिसके अनुसार पौरस सिकंदर को आगे आने वाले युद्ध अभियानों में सहायता करेगा और बदले में जीते हुए राज्य को पौरस का शासक बना देगा। पौरस के युद्ध के बाद सिकंदर की सेना छोटे हिंदू गणराज्यों से बड़ी, जिसमें कट गणराज्य के साथ हुई लड़ी काफी बड़ी थी। कट जाति के लोग, जिन्हें कथा जाति भी कहा जाता है, अपने साहस के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। कटों के एक बार तो यवनों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन कम संख्या के कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। कटों से युद्ध लड़कर यवन सेना व्यास नदी तक पहुंच ही पाई थी कि उसने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। उन्होंने सुन रखा था कि व्यास नदी के पार नंदवंशी राजा के पास 20,000 घुड़सवार सैनिक, 2,00,000 पैदल सैनिक, 2,004 घोड़े और रथ और लगभग 6,000 हाथी थे। इतनी विशाल सेना के बारे में सुनकर वह घबरा गए। पंजाब में उन्हें जिस विरोध का सामना करना पड़ा था, उससे उन्हें ज्ञात हो गया था कि भविष्य में उसे किसी भी प्रकार के युद्ध लड़ने पड़ सकते हैं। पंजाब के छोटे छोटे गणतंत्रीय राज्यों की सेना भी इतने उत्साह से लड़ी कि सिकंदर की सेना को एहसास हो गया कि नंदों से टक्कर होने पर क्या हाल होगा। सिकंदर सारे बात पर ही विजय पाना चाहता था, लेकिन उसे अपने सैनिकों की मर्जी के कारण व्यास नदी से ही वापस लौट जाना पड़ा था। वापस जाते हुए उसे मालव और शूद्र आदि कहीं वीर हिंदू गणराज्यों से संगठित विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि सिकंदर की योजना जाते जाते उनके क्षेत्र को जीतने की थी। माना जाता है कि सभी गणराज्य को एक साथ लाने में आचार्य चाणक्य का बहुत ही बड़ा योगदान था। इन सभी गणराज्यों ने सिकंदर को काफी क्षति पहुंचाई और उसकी सेना के हौसले को पस्त कर दिया। अपने विश्व विजय के इस सपने के टूटने के बाद सिकंदर अत्यधिक शराब पीने लगा और उदास रहने लगा। सिकंदर भारत में लगभग 19 महीने रहा। जब वह बेबीलोन ईरान पहुंचा तो 323 ईस्वी पूर्व में 33 साल की उम्र में ही उसकी मौत हो गई, और उसकी मौत का कारण है वो मलेरिया बताया जाता है। सिकंदर की सच्चाई जानने के बाद पता चलता है कि वह कोई विश्व विजेता नहीं था और ना ही महान था। सिकंदर से भी कई गुना ज्यादा क्षेत्र चंगेज खान और अन्य राजा जीत चुके थे। उसने पृथ्वी के मात्र 5% से कोई जीता था।
इसमें कोई शक नहीं है कि सिकंदर एक कुशल योद्धा था और इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, पर ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे उन्हें विश्व विजेता कहा जाए, उसके नाम के साथ मान लगाया जाए।